हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड राउंड एलडीसी क्लासेस। तो आज हम लोग इस क्लास में रेलवे वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला, यूटीएसएन मोबाइल किसका अंग है? यूटीएसएन मोबाइल जो है आपका ऑप्शन दिया है ऑपरेशन 5 मिनट्स, बी में है ऑपरेशन 10 मिनट्स, सी में ऑपरेशन 15 मिनट्स, डी में है नन। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन 5 मिनट्स। यूटीएसएन मोबाइल जो है ऑपरेशन 5 मिनट्स का एक पार्ट है, ठीक है ना। यह एक डिजिटल वे है जिसके द्वारा आप टिकट को जो है बुक कर सकते हैं, आप वो प्लेटफॉर्म के लाइनों से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका कुछ अपना प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, USSD ऐप के लिए कॉल कहाँ किया जाता है? आ में है *138#, ब में है *139#, स में है *1582#, द है कोई नहीं। आपका आंसर होगा ब *139#। USSD ऐप के लिए आपको *139# पे कॉल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, UTSN मोबाइल में यूजर आईडी क्या होता है? तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड होगा वही UTSN मोबाइल पर जो है यूजर आईडी होता है, ठीक है। पॉइंट 4 है, जियो फेंसिंग क्षेत्र से कम कितनी दूरी पर यात्री को होना चाहिए? अ में है 25 मीटर, ब में है 30 मीटर, स में है 5 किलोमीटर, द है कोई नहीं। आपका आंसर होगा अ 25 मीटर। मतलब उस टिकटिंग जोन, वो जो जियो फेंसिंग एरिया है, उससे आपको कम से कम 25 मीटर दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। 5 में है, यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन से कितने किलोमीटर का क्षेत्र अधिकतम टिकटिंग जोन माना जाता है? अ में है 4 किलोमीटर, ब में है 6 किलोमीटर, स में है 5 किलोमीटर, द है 25 मीटर। आपका आंसर होगा स 5 किलोमीटर। यात्रा शुरू करने वाले जो भी स्टेशन है आपके नज़दीकी, उसके 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वह अधिकतम टिकटिंग जोन माना जाता है, ठीक है। पॉइंट 6 में, आर वैलेट का पूरा नाम लिखे। उत्तर होगा रेलवे वैलेट। आर वैलेट को रेलवे वैलेट कहते हैं, ठीक है। 7 में है, आर वैलेट कहाँ रिचार्ज कर सकते हैं? रेलवे वैलेट को कहाँ रिचार्ज कर सकते हैं? आ में है ऐप द्वारा, ब है टिकट काउंटर पर, स है www.utsonmobile.indianrail.gov.in पे, द है सभी। आपका आंसर होगा ब और स द्वारा। रेलवे वैलेट को जो है आप टिकट काउंटर पे या इस साइट जो दिया गया है इस पर जाके आप रिचार्ज कर सकते हैं। 8 में है, कम से कम और अधिकतम कितना रिचार्ज यूटीएसएन मोबाइल ऐप में कर सकते हैं? अ में है 1000 से लेकर 10000 तक, ब है 100 रुपये से लेकर 1000 तक, स है 1000 से लेकर 5000 तक, द है 100 रुपये से लेकर 10000 तक। आपका आंसर होगा द, 100 रुपये से लेकर 10000 तक आप रिचार्ज यूटीएसएन मोबाइल ऐप में कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 9 है, यूटीएसएन मोबाइल के रिचार्ज का भुगतान इन माध्यम से भी संभव है फ्री में, जैसे आप पेटीएम, मोबीविक, इस सबसे भी जो है यूटीएसएन मोबाइल के रिचार्ज का भुगतान आप कर सकते हैं। पॉइंट 10 है, यूटीएसएन मोबाइल के रिचार्ज पर कितना बोनस मिलता है? अगर आप यूटीएसएन मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो कितना आपको बोनस मिलेगा? अ में है 10%, ब है 5%, स है 15%, द है कोई नहीं। आपका आंसर होगा ब 5%। 11 है, इनमें से किसके द्वारा यूटीएसएन मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं? अ है डेबिट कार्ड, ब है क्रेडिट कार्ड, स है नेट बैंकिंग, द है सभी। आपका उत्तर होगा द सभी। इस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा आप यूटीएसएन मोबाइल ऐप का जो रिचार्ज है वो कर सकते हैं, ठीक है। 12 है, यात्री टिकट बुक करके और इसके इमेज मतलब छाया जो उसका होता है, फोटो जो होता है, लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यूटीएसएन मोबाइल ऐप पर टिकट बुक किए हैं तो आप उसके इमेज को लेकर भी जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, आपको विदाउट टिकट नहीं माना जाएगा। पॉइंट 13 है, POS का पूरा नाम लिखें। ए में है पोजीशन ऑफ सेल, बी है पोजीशन ऑफ सेल, सी है पॉइंट ऑफ सेल, डी है पुअर ऑफ सेल। आपका आंसर होगा सी पॉइंट ऑफ सेल। POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। 14 में है, POS मशीन में कितने प्रतियां मुद्रित होती हैं? जब POS मशीन जो स्लिप निकलता है वो कितने होते हैं? आ में है 2, ब में है 3, स में है 4, द में है 5। आपका उत्तर होगा आ 2। POS मशीन से 2 प्रतियां निकलती है। ओरिजिनल कॉपी जो होता है रेलवे का होता है, और उसके बाद जो डुप्लीकेट जो कॉपी निकलता है वो यात्री को दिया जाता है रिसीविंग के तौर पर, ठीक है। 15 में है, MDR का पूरा नाम बताएं। तो MDR का जो पूरा नाम होता है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, ठीक है। 16 में RRN का पूरा नाम क्या होता है? तो रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। RRN का नाम पूरा क्या होता है? रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है।
17 में PRS काउंटर पर UPI द्वारा टिकट बुक करने पर कितना छूट मिलता है? आ में है 10%, ब है 5%, स है 15%, द है 3%। आपका आंसर होगा ब 5%। अगर PRS काउंटर जो है पैसेंजर रिजर्वेशन जो काउंटर होता है अगर उस पर आप UPI द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। 18 में है UPI द्वारा कितने के कम से कम रिचार्ज पर छूट मिलेगा? अगर आप UPI द्वारा रिचार्ज कराते हैं तो कम से कम कितना का रिचार्ज कराना पड़ेगा तब तक ताकि आपको डिस्काउंट मिले? आ में है 100 रुपये, ब है 500 रुपये, स में है 1000 रुपये, द है 50 रुपये। आपका आंसर होगा आ 100 रुपये। कम से कम आपको 100 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। पॉइंट 19 है अधिकतम कितना छूट मिलेगा? आ में है 100 रुपये, ब में है 50 रुपये, स में है 500 रुपये, द है 5 रुपये। आपका आंसर होगा ब 50 रुपये। देखिए UPI द्वारा अगर आप ये रिचार्ज कराते हैं तो आपको जो है कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। मैक्सिमम जो आपको छूट मिलेगा वो 50 रुपये तक मिलेगा, ठीक है। कितना तक मैक्सिमम छूट मिलेगा? 50 रुपये तक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। UTS टिकट और ई टिकट पे छूट नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा आपको PRS काउंटर के ही टिकट पे मिलेगा, ठीक है। पॉइंट 20 में UPI द्वारा PRS काउंटर टिकट पर छूट चार्ज बनाने से पहले ही मिलेगा, चार्ट बनने के बाद नहीं मिलता है। मैं जैसे आप UPI द्वारा अगर PRS काउंटर पर भी टिकट ले रहे हैं तो चार्ट बनने से पहले ही आपको छूट की फैसिलिटी है। अगर चार्ट बनने के बाद अगर आप टिकट ले रहे हैं तो उसमें छूट नहीं मिलेगा। इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो सर्क एंड ड्रोन LDC क्लासेस।